नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। देश का सच दिखाते हैं हम। कानपुर से संवाददाता अब्दुल निसार की रिपोर्ट। आज एमएमए जौहर फैंस एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हयाज जफर हाशमी की अगुवाई में मनाए जा रहे जश्न आमद रसूल हफ्ता के दूसरे दिन आज रूपम टॉकीज चौराहे पर दहेज के खिलाफ शपथनामा जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। देखिए खास रिपोर्ट कानपुर से। क्या कार्यक्रम आपने चला? कानपुर में हमारी सामाजिक संस्था एमएमए जौहर फैंस एसोसिएशन मोहसिन इंसानियत सारे आलम के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनकर दुनिया में तशरीफ लाए। हम सबके आका नबी करीम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की यौम विलादत व सआदत के इस माह रबी अव्वल के मौके पर हर साल की तरह इस साल भी जश्न आमद रसूल सप्ताह मना रही है, जिसका दूसरा प्रोग्राम था। आज हम लोगों ने दहेज के खिलाफ, दहेज जो आज समाज के लिए कभी हिसाब से कम नहीं है, दहेज जो गरीब और कमज़ोर तबके की बच्चियों को 40-40 साल तक की उम्र तक बैठाले रहने में बहुत बड़ा दहेज का रोल होता है। दहेज एक ऐसी बीमारी है जिससे समाज को आज दीमक की तरह का खाने का काम कर रही है। दहेज के न होने के कारण बहुत सी बच्चियाँ समाज में अविवाहित रह जाती हैं, जिनकी शादियाँ नहीं हो पाती हैं। दहेज जैसी बुराई के खात्मे के लिए आज हम लोग ने कानपुर के रूपम चौराहे पर जन जागरूकता अभियान चलाया है और लोगों को दहेज के खिलाफ प्रेरित करने का काम किया है, दहेज न लेने का उनका आह्वान किया है। हमारे नौजवानों ने भी ये संकल्प लिया है कि इंशाअल्लाह रहमान अपने निकाह में वो दहेज का बहिष्कार करेंगे। दहेज जैसी बुराई को समाज से दूर करने के लिए दहेज नहीं लेंगे। यूट्यूब पर अभी हमारे चैनल बीपीए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप कोई भी खबरों को मिस न करें व हमारे वीडियोस को लाइक करें।